ज्ञानचंद महाजन जी वॉज गोइंग ऑन। वो पंडित नेहरू से इतना भावुक थे और इतना इम्प्रेस थे, वो अपने उसको अपने आप को एक रोल मॉडल समझते थे पंडित नेहरू जी को, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने सिंगिंग और डांसिंग और जो कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे वो रुकवा दिए, बट शादी चलती गई क्योंकि वो उनके प्रति मन में नेहरू जी के लिए बहुत प्यार और सद्भावना थी। खासियत उनकी बहुत सारी है, पूरा दिन निकल जाएगा बट मैं रोक नहीं पा रहा अपने आपको जो भी बताने के लिए, क्योंकि आज ऐसा ऐतिहासिक समय है कि सभी विराजमान हैं, बच्चे हैं, घरवाले हैं, प्रताप परिवार है साथ में हमारे, बागनी वाले जिनको जाना जाता है, बागनी वाले जो कि आसमानों को छू रहे हैं, सितारों से आगे जहां आगे और भी है मेरे दोस्तों बागनी वाले। He didn't take any dowry for the marriage of his sons. उन्होंने कभी डाउरी नहीं ली अपने बच्चों की शादियों के लिए, बिकॉज ही वॉन्टेड टू लीड एज एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू मिनिमाइज द एक्सपेंस एंड स्टॉप द डाउरी सिस्टम। ही बिलीव दैट डाउरी सिस्टम ऑलवेज बर्डन द गर्ल्स फैमिली। ही बिलीव अ पेरेंट हु हैज गिवन हिज गर्ल टू समवन, जिस पिता ने अपनी बेटी को दे दिया एक परिवार को, उस पिता ने सब कुछ दे दिया अपनी जिंदगी का, सबसे सुनहरा गहना, सबसे सुनहरा एक जिगर का टुकड़ा दे दिया। तो he has given his everything to them. He always had a very soft corner. बहुत ही soft corner रहता था girls parents के लिए। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जब ये खत्म होगा फंक्शन हमारा, एग्जीबिशन भी आप जरूर देखिएगा, वो कैसे रहते थे, खाना बैठ के खाया जाता है, खाने को वेस्ट नहीं करते थे, ऐसी ऐसी झलकियां आपको दिखाई देंगी। और सॉन्ग गाने का बहुत शौक था, कहीं ना कहीं सिंगिंग लगता है मुझे उन्हीं से ही थोड़ा बहुत आई है, क्योंकि मुझे भी गाना गाने का बहुत शौक है। तो मैक्सिमम ट्रैवल ही ट्राइड टू सेव मनी एंड हेल्प द पुअर दोज हु आर नीडी। ही वाज अ वेरी गुड सिंगर, ही यूज्ड टू सिंग ओल्ड सॉन्ग्स एंड धार्मिक सॉन्ग्स, ही यूज्ड टू सिंग भजन्स अलोंग विद हारमोनियम आरतीज एंड भजन्स आल्सो। ही यूज्ड टू डू ऑल फार्मिंग टास्क, खुद खेती बाड़ी किया करते थे हमारे जमाने, उस जमाने में उनके पास टॉप क्लास बफलो काउ ऑक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट हुआ करते थे उस जमाने में। आगे चलते हुए उनके पिता का नाम था पालूमल जी एंड ही वाज अ वेरी रिच मैन ऑफ नूरपुर एरिया। पालूमल जी यूज्ड टू अकंपनी विद राजा ऑफ नूरपुर श्री जगत सिंह जी। कुछ उनकी फिलॉसफी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। फॉर्चून टर्न्स लाइक अ व्हील, आप देखेंगे कहीं कहीं पे जहाँ पे इसका दिया गया है 100th बर्थ एनिवर्सरी का हल्का सा सिंबल एक छोटा सा बनाया है हमने कहीं पे स्कॉलर पे, फॉर्चून टर्न्स लाइक अ व्हील। इसको उन्होंने इस तरह से व्यक्त किया है कि पहले गरीबी आती है इंसान की जिंदगी में, फिर पर्सन जो वो इंसान है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत सच्चाई से मेहनत करता है, फिर वो कुछ पैसे भी कमा लेता है आफ्टर इतने मेहनत और स्ट्रगल के बाद। फिर क्या होता है कि पैसे जब आ जाते हैं तो थोड़ा सा घमंड और एटीट्यूड इंसान के मन में आ जाता है, हालांकि किसी के मन में ऐसा आता नहीं है बट एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है, आ भी सकता है बिल्कुल, उन्होंने कहा है तो आ भी सकता है। देन द पर्सन डजंट बॉदर अबाउट एनीवन, वो किसी की परवाह नहीं करता क्योंकि उसके पास एक घमंड और एक ईगो आ जाता है। फिर इंसान बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना शुरू कर देता है और वो पैसे खर्च करना उसको कहीं ना कहीं उसके पैसे खत्म कर जाते हैं और दोबारा से वो पॉइंट जीरो पे आ जाता है। दोस्तों यही वो जो कहना चाह रहे थे हमारे दादाजी कि फॉर्चून टर्न्स लाइक अ व्हील, तो जहां से शुरुआत हुई पैसे कमाए हार्डवर्क किया खर्च किए फिर जीरो पे आ गया। और इसका ये भी है कि अगर आप मेहनत करें परिश्रम करें तो कहीं ना कहीं सक्सेस आपका साथ जरूर देती है। तो देन ही वाज थ्रोन बैक बाय गॉड एट द पॉइंट वेयर ही स्टार्टेड। सेम केस जो शाहजी के फादर थे पालूमल जी के साथ हुआ। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें पोलाइट और हम्बल रहना चाहिए, एक इंसान को झुकना आना चाहिए, जो झुकता है The one who bends like a tree will always have fruits for lifetime. जो झुकता है, जो पेड़ झुकता है, उसी में ही फल लगते हैं दोस्तों। It will not break, टूटेगा नहीं in any storm. जैसे आज तूफान आ रहा है, तो स्कूल में सारे पेड़ों पौधों में
प्रताप चंद जी, महाजन जी और सुजीत जी और जितने उनके भाई यहाँ मौजूद हैं, सभी ने इतनी एनर्जी डाल रखी है कि कोई भी पौधा टूटने नहीं देंगे जितना भी तूफान आ जाए। फ्रूट फॉर लाइफ टाइम, ये सुजीत महाजन जी की भी फिलॉसफी यही है कि जो मैंने अभी कही कहा कि एक इंसान को हमेशा पोलाइट, हम्बल और पेड़ की तरह झुकना आना चाहिए, एडेड बाय फॉलोड बाय श्री सुजीत महाजन जी। क्योंकि मैं अगर अपना नाम ले लूंगा तो क्रेडिट तो मुझे चला जाएगा, जिसने जो कहा है वो उसी को ही जाना चाहिए, तो इसी में मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने शाम को घर भी जाना है। आगे चलते हुए बस हम कुछ ही पल में कंपाइल करेंगे इसको। प्रताप जी वाज ऑलवेज थैंकफुल टू हिज ब्रदर्स फॉर द सपोर्ट ऑफ हिज एजुकेशन। ही डिड 10th फ्रॉम लाहौर, वो मैथ्स में बहुत अच्छे थे। ही डिड जॉब एज अ फॉरेस्ट गार्ड एट अ सैलरी ऑफ 10 रुपीज। जब सबसे पहले उन्होंने नौकरी की तो उनको 10 रुपए मिले, 10 रुपए उस जमाने में बहुत हुआ करते थे, और उस 10 रुपए से उन्होंने हरकुलिस साइकिल खरीदा। देखिए क्या बात है, तो पूरे एरिया में उन्हीं के पास साइकिल हुआ करता था, हरकुलिस साइकिल। मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ उनकी इस बात को पढ़कर। द ओनली साइकिल इन बागनी, ही वर्क्ड एज अ फॉरेस्ट गार्ड फॉर 2 years। ही हैड अ डिस्प्यूट विद द फॉरेस्ट ऑफिसर बिकॉज ही वाज अ वेरी हार्ड वर्कर। एक्चुअली हुआ क्या है, फॉरेस्ट इंचार्ज अपने काम में व्यस्त था, तो उन्होंने शाहजी को कहा, शाहजी सलाम किया करो, तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया। तो श्री प्रताप चंद महाजन जी ने कहा, मैं यहाँ पे अपने कार्य करने के लिए आया हूँ जनाब, मैं आपको सलाम करने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं ये नहीं कर सकता। और उसी पल उन्होंने इस्तीफा दिया और नौकरी छोड़कर चले गए। इससे हमें ये सीखने को मिलता है दोस्तों कि अगर अमिताभ जी ने भी कहा है, चाणक्य ने कहा है, उस राह पे मत चलो जिस राह पे झुकना पड़े, और उस शख्सियत से बात मत करो जो तुम्हारी बेइज्जती करे। तो चाणक्य जी भी की स्टोरी भी इसमें आ गई है। तो कहीं ना कहीं शाह जी सबसे ऊपर थे, चाणक्य वगैरह सब उनको सब मिलजुल के गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं जो उनकी ग्लोबल फिलोसफी थी। तो हुआ क्या उसके बाद, एज ही वाज रिमाइंडेड आफ्टर कुछ सालों के बाद उनको वो याद आया कि एम्बैरेसमेंट और हरासमेंट जो उनको फॉरेस्ट इंचार्ज द्वारा दी गई, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही फॉरेस्ट लाइन में चला जाऊं एज एन एंटरप्रेन्योर। उन्होंने खेर ट्रीज खरीदे जिनसे कथा बनता था, लेबर लेकर आए वो अपने नेफ्यू जसवंत जी के साथ, और काम शुरू किया। कुछ सालों के बाद उन्होंने पाइन ट्री फॉरेस्ट हिमाचल गवर्नमेंट से स्मॉल स्केल पे लिया। ही वॉज वेरी काइंड टू लेबर। देयर इज अ सेइंग इन मैनेजमेंट, अगर आप अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखते हो बिजनेस में, तो एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस का ध्यान रखेंगे, बिकॉज ही बिलीव मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्कर। अब हम सिर्फ उन लास्ट काफ़ी चीज़ें मैं नहीं बता पा रहा हूँ आज, क्योंकि समय की पाबंदी है और मौसम साथ में है, बट जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैं ज़रूर आपको बता रहा हूँ। आखिरी दो सालों में शाहजी यूज टू सिट 2 hours इन मॉर्निंग एंड 2 hours इन इवनिंग एवरी डे विद श्री सुजीत महाजन जी। श्री प्रताप चंद महाजन जी प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ प्रताप वर्ल्ड स्कूल पठानकोट हिमसेल्फ। ही सेड सुजीत, एक दिन उन्होंने श्री सुजीत महाजन जी को कहा, सुजीत एक स्कूल खोलना चाहते हैं, मेरा सपना है एक स्कूल हम खोले, क्या आप उस सपने को पूरा करेंगे। सुजीत जी, चेयरमैन श्री सुजीत जी बहुत भावुक हो गए, वो इंडस्ट्री लाइन में थे परंतु अपने पिता श्री की बात को वो काट नहीं सकते थे, तो असमंजस में कहीं ना कहीं उन्होंने ठान लिया इसको, और 2004 में सुजीत जी, विशाल जी, भारत भूषण जी, 2004 में उन्होंने जमीन का इंतजाम किया, लेबर का इंतजाम किया, सारे अरेंजमेंट्स कर दिए, और फिर आखिरकार वो सुनहरा लम्हा आया जब सुजीत जी श्री प्रताप शाह जी को फाउंडेशन स्टोन के लिए बुलाए गए। मगर इसमें भी ट्विस्ट है दोस्तों, शाह जी ने कहा, अब सुजीत जी गए फादर साहब पिता फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए, आज हमने सोचा है, तो आपने कहा था तो हम चल रहे हैं।
परंतु उस समय उनको वो समय उचित नहीं लगा। तो उन्होंने कहा, सर जी अभी ये सही वक्त नहीं है, जब सही समय आएगा मैं तुम्हें खुद ब खुद बता दूंगा। पहले पढ़ाई के बारे में थोड़ा और जानिए, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे बच्चों से डील किया जाता है, क्योंकि वो खुद एक एजुकेशनिस्ट थे। और उसके बाद ये सिलसिला चला। फिर प्रताप जी और सुरजीत जी असमंजस में डेली सुबह शाम ढेरों घंटे एक साथ बैठते रहे। पढ़ाई कैसे होती है, पढ़ाई का डिजाइन कैसे होता है, पेडागोजी कैसे होती है, फिलोसफी कैसे होती है, कैसे बच्चों को उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, कैसे सारे जो एजुकेशन है वो सिर्फ पढ़ाई नहीं है, लिखाई नहीं है दोस्तों, डांस, म्यूजिक, थिएटर, एक्टिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, सभी कुछ आजकल एजुकेशन का हिस्सा है। क्योंकि एकेडमिशियन और इंजीनियर डॉक्टर्स तो पैसे कमा सकते हैं अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, बट कहीं ना कहीं सभी फील्ड्स में आप अपने लाइवलीहुड के लिए आप बढ़िया डांसर हो, फोटोग्राफर हो, कुछ भी हो, अच्छा कर सकते हैं। तो आखिरकार वो सुनहरा लम्हा आया जब 2005 में उन्होंने एग्री किया कि फाउंडेशन स्टोन रखा जाए। तो फाउंडेशन स्टोन उनके द्वारा रखा गया जब वो काफ़ी बीमार थे, काफ़ी इल थे, बट उन्होंने खुद प्रण लिया था तो खुद ही उन्होंने स्टोन रखा। हैट्स ऑफ टू सच पर्सनालिटी। इसी के साथ मैं उनकी छोटी सी बायोग्राफी को कंपाइल करता हूँ। एक स्लोगन वो कहा करते थे, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटी उम्मीद। इससे हमें ये सीख मिलती है कि दरिया इतना बड़ा है, अगर चिड़िया थोड़ा पानी पी भी जाएगी तो कुछ नहीं होगा। तो आप भी दोस्तों, आपके पास इतना सारा दरिया है फाइनेंशियल चीज़ों का, स्किल भी एक दरिया है, खुशियों से बांटें, खुशियों से दें। अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है और वो बच्चों में जा पाई तो वो भी एक स्किल है जो जा पाया है, अगर नहीं जा पाई तो वो कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाए। इसी के साथ हम प्रोग्राम तो अभी पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो उनकी ऑटोबायोग्राफी थोड़ी सी बताई है हमने। अब आगे क्या होगा, अब आगे ये होगा कि आप में से जो यहाँ विराजमान है फैमिली मेंबर्स, कुछ दो लाइनें, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आशा महाजन जी, श्रीमती आशा महाजन जी बहुत उत्सुक हैं कुछ कहने के लिए, कि वो रोक नहीं पा रहे अपने आप को स्टेज पे आने के लिए। मैं बिल्कुल उनकी इस असमंजस, दिल में असमंजस को महसूस कर सकता हूँ। और आशा जी तो आएंगे ही आएंगे, उनके अलावा कोई और इस VIP लॉन्च में मौजूद, कोई VIP लॉन्च में मौजूद आना चाहे, उनके बारे में कुछ बोलना चाहे तो आपके लिए इस स्टेज में अपना माइक छोड़ता नहीं हूँ दोस्तों, पर इस चीज के लिए मैं जरूर छोड़ूंगा क्योंकि प्लीज भूजी जी। तो जोरदार तालियां आशा महाजन जी के लिए जो स्पेशली जलंधर से आए हैं। कोई जो आपके मन में आता है दो लाइन, जैसा आपको लग रहा है, कैसा लगा आपको गाना सुनने के या देख के, जैसा आपको लगा आप बेहिचक बोल दें। सब आप आशा जी के लिए बैठ के बोलना चाहते हैं, बैठ के बोलिए जैसा आपको कंफर्टेबल। अच्छे माता पिता दिए तो मैं अपना बहुत बहुत उनके प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ। उसके बाद मेरे जिन्होंने मेरे इतने अच्छे भाई बहन और भाभियाँ और बच्चे आगे इतना अच्छा परिवार दिया है, जो उनका सबका आभार प्रकट करती हूँ, सबको नमस्कार करती हूँ। आपको चाकू किसको लगाया गया था?
हमेशा उससे नीचे होके बात किया करना सबसे प्रेम से होकर। तो अभी वो उनकी अकेली इच्छा भी यही थी कि सब भाई बहन आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से मिलजुल के रहना। तो दोस्तों समय आ गया है प्रोग्राम का अंत करें, बट प्रोग्राम बंद करने से पहले कुछ एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फिलोसफिकल लाइनें जो सुजीत जी और अनिल अनिल प्रिंट आउट नहीं चला होते हैं, कहाँ सेव किया था आपने? आशा जी ने जो कहा वो जोत से जोत की जो सॉन्ग है वो हम प्ले कर रहे हैं। विशाल जी ने वो सॉन्ग ढूंढ निकाला है और वो अभी हम प्ले करेंगे। नहीं माइक पे सुना रहे हैं कि पहले थोड़ा सॉन्ग अरेंज होता है कुछ लाइनें जो लास्ट सॉन्ग है जो कि चेयरमैन सर का और श्री प्रताप चंद जी जो इस लाइनों में बिलीव करते थे कि जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये सॉन्ग आपको क्या लगता है कौन गाने वाला है, कौन गाने वाला है ये सॉन्ग? मैं कौन बनेगा करोड़पति का? 1 करोड़ का क्वेश्चन जीत गए आप, बहुत खूब। तो अब हम हालांकि मैं पहले बता दूं दोबारा से गुस्ताखी माफ अगर किसी को अच्छा ना लगे, क्योंकि सुर हमारे इतने अच्छे नहीं हैं, पर परंतु कोशिश करने वालों की बच्चों के मैंने जहन में डाल दिया है, क्योंकि असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, यूं ही कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार गिरती फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर वापस आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। यही था, यही सारी पॉइंट्स थी जो मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा कहा गया। पर इसका जो अंत है कि मदिरालय जाने को चलता है पीने वाला, किस पद से जाए असमंजस में है वह भोला भाला, मदिरालय जाने को चलता है पीने वाला, किस पद से जाए असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम ये सॉन्ग नहीं एक श्रद्धांजलि है और उनके बारे में फिलोसफिकल है कि वो क्या कहा करते थे। अगर इजाजत है चेयरमैन साहब की मैं शुरू किया जाए। One, two, three, start.